मेन मुद्दा भाजपा का राम मंदिर नहीं है, आस्था है। और आस्था को कभी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, आस्था आस्था होती है। कोर्ट में केस होने के कारण मैं संवैधानिक पदवी, इसलिए मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन राम मंदिर बने ये हमें पूरी उम्मीद है, या तो समझौते के द्वारा या सरकार की पहल के द्वारा, दोनों के द्वारा हमें उम्मीद है कि राम मंदिर बनेगा। अच्छा, भाजपा के सांसद हैं वो कहते हैं कि अगर कोर्ट में इसका पास नहीं होता तो हम लोग अपनी तरफ से कानून ला के इसको बनाएंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये सबको पता है कि वहाँ रामलला जन्मे हैं। मंदिर को तोड़ करके गुम्बद बनाया गया था, और आपने देखा होगा, आप यदि गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जितने भी वहाँ खम्भे थे उसमें सारे खम्भों में देवी देवताओं के चित्र थे। कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है, दलील के आधार पर नहीं चलता है। तो मुझे कोर्ट पर भी भरोसा है कि जो सबूत वहाँ रामलला के होने के मिले हैं, और मैं कह सकती हूँ मंदिर अकेले बनाना होता तो कहीं बना लेते, लेकिन जन्मस्थली नहीं बदली जा सकती। देखिए, मुझे लग रहा है कि CBI के संबंध में ना तो हमें बोलने का अधिकार है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया है। बकाया कई बार जब आदमी एक झूठ बोल देता है, झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, वही राहुल गांधी कर रहे हैं, वो वही उनके सहयोगी सारे लोग कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, रामपुर में उत्तर प्रदेश का पैसा तो बहुत आया है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए था रामपुर का, नहीं हुआ है। हमारी सरकार की मंशा सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ के जो कद्दावर नेता रहे हैं, सबका पैसा तो आया है लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। कुछ एरिया चिन्हित करके किया गया, लेकिन वो एरिया भी अच्छी तरह विकसित नहीं हुई। एक कद्दावर नेता रहा हूँ मैं, सर्किट हाउस रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ एक बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं तो बढ़िया सुंदर बन गया होगा। और मुझे बाद में जानकारी मिली कि सर्किट हाउस के नाम से उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ। तो जिनकी सोच अपने तक सीमित होती है वो पूरे जनपद का भी विकास नहीं कर सकते। देखिए, ये मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी पुराना सरकारी सर्किट हाउस है। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को अपना बना करके कब्जा करके रखा है, और ये क्योंकि सरकार ने उसमें जांच के लिए कहा है, जांच जहाँ चल रही हो उस विषय पर मुझे लग रहा है ज़्यादा मुझे बोलने का औचित्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से रामपुर के अंदर सरकारी जमीनों का अपहरण मैं कह सकती हूँ, कब्जा कह सकती हूँ, जिस तरह से किया गया है, सरकार उसका जरूर संज्ञान ले रही है, काम करेगी। अच्छा, बीजेपी के ओम प्रकाश जी किस तरह तहत बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि सरकार में मंत्री है, उनकी भी जवाबदेही है। मंत्री रहते यदि इस प्रकार की कोई भाषा बोलता है तो मुझे लग रहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे के फिर बात करना चाहिए। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए पहले? तो मैं तो नहीं कह सकती हूँ, जिस सरकार के तुम अंग हो तो सरकार के बोलने, तुम यदि इसका मतलब है कि तुम कैबिनेट मंत्री हो तो अपने पहले मंत्रालय को सही साफ करके दिखाओ।